प्रोजेक्ट का नेम है ग्रिल होटल, और ये होटल मैनेजमेंट सिस्टम की कैटेगरी में आता है। ये PHP और MySQL में डेवलप किया गया है। बैकएंड में हमने जो डेटाबेस यूज़ किया है उसका नाम है MySQL, और PHP इसमें स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज हमने यूज़ किया है। इसके डेटाबेस का नाम है ग्रिल होटल, और प्रोजेक्ट रन करने से पहले हमें इसका डेटाबेस बनाना पड़ेगा। डेटाबेस बनाने के लिए हमें अपाचे सर्वर स्टार्ट करना ज़रूरी है। अपाचे सर्वर भी तभी स्टार्ट होगा जब हमारा स्काइप ऑफ होगा, क्योंकि स्काइप जिस पोर्ट पर वर्क करता है उसी पोर्ट पर अपाचे वर्क करता है। या तो हम स्काइप को रिक्रूट कर दें, और या फिर अपाचे की httpd.config फाइल में अपाचे का पोर्ट नंबर चेंज कर दें। जब XAMPP सक्सेसफुली रनिंग हो जाएगा तो हम डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। डेटाबेस क्रिएट करने के लिए हम ब्राउज़र में लिखेंगे लोकल होस्ट स्लैश php माई एडमिन। अब यहाँ पर हम डेटाबेसेस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमें जैसे हम डेटाबेस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास में एक डेटाबेसेस की लिस्टिंग आ जाएगी, और ही डेटाबेसेस की लिस्टिंग आ जाएगी तो हम यहाँ पर उस डेटाबेस का नाम लिखेंगे जो हम क्रिएट करना चाहते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ ग्रिल होटल, और यहाँ पर कलेक्शन, अगर मैं कोई कलेक्शन देना चाहता हूँ तो मैं वो सिलेक्ट कर लूँगा, अगर नहीं भी देता तो बाय डिफ़ॉल्ट वो कलेक्शन उठा लेता है। तो मैं यहाँ पर क्रिएट पर क्लिक करूँगा। जैसे ही डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा तो स्क्रीन पर मैसेज आ जाएगा, डेटाबेस ग्रिल होटल हैज़ बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब इसमें मैं उस स्टोर सीक्वल फाइल को इम्पोर्ट करूँगा जो कि जिसमें इसके टेबल्स हैं। तो जो डॉट सीक्वल फाइल इस प्रोजेक्ट के साथ में दी गई है उसका नेम है क्रिल होटल डॉट सीक्वल। तो मैं उस फाइल को इंपोर्ट करूँगा। सबसे पहले उस फाइल को सर्च करूँगा कि वो किस डायरेक्टरी में है। तो क्रिल होटल डॉट सीक्वल को मैं क्लिक करूँगा, और यहाँ पर ये इंपोर्ट हो जाएगा। जैसे मैं गो पर क्लिक करूँगा तो ये थोड़ी देर लगाएगा, लेकिन ये इंपोर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर इम्पोर्ट हो चुका है। जैसे इम्पोर्ट होगा तो एक स्क्रीन पे मैसेज आएगा, इम्पोर्ट हैज बीन सक्सेसफुली फिनिश्ड, 21 क्यूरीज एक्सिक्यूटेड। तब हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो इसमें तीन टेबल्स दे रखे हैं। फर्स्ट है एडमिन लॉगिन। एडमिन लॉगिन में एडमिन के लॉगिन की यूजर आईडी और पासवर्ड दे रखा है जो कि है एडमिन एडमिन। सेकंड टेबल है कॉन्टेक्टस। जो कॉन्टेक्टस टेबल है उसमें जो भी यूजर होटल से कॉन्टेक्ट करना चाहता है, जब वो कॉन्टेक्टस फॉर्म भरता है तो उसकी डिटेल इस टेबल में आकर के फॉर्म हो जा सेव हो जाती है। इस टेबल के फील्ड्स हैं जैसे नेम, ईमेल, मैसेज। थर्ड टेबल है उसका नाम है फॉर्म। फॉर्म वो टेबल है जिसमें जो भी यूज़र ऑनलाइन बुकिंग करता है होटल में उसकी डिटेल यहाँ पर सेव हो जाती है। जैसे इस टेबल की फील्ड नेम है आईडी, नेम, ईमेल, एज, एड्रेस, स्टेट, पिन, जेंडर, मोबाइल। तो ये डिटेल्स हमारे यहाँ पे इस टेबल में सेव हो जाती है। चलिए देखते हैं प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट देखने के लिए हम लिखेंगे लोकल होस्ट स्लैश उस डायरेक्टरी का नाम यहाँ पर हमने अपने प्रोजेक्ट को सेव कर रखा है, ग्रिल होटल। तो ये इसका होम पेज है। इस होम पेज में सबसे पहले हमें दिख रहा है बुकिंग।
तो हम यहाँ पर लिखेंगे, जैसे मैं बुकिंग करना चाहता हूँ तो मैं लिखता हूँ आखिर ईमेल एनाटा एज है 22, एड्रेस चंडीगढ़, अब यहाँ पे स्टेट सिलेक्ट करते हैं पंजाब, मोबाइल नंबर लिखते हैं, पिन कोड कुछ भी लिख देते हैं, जेंडर और सबमिट कर देते हैं। फिर बुकिंग वाज सक्सेसफुल, तो हमारा ये डेटा सेव हो चुका है। अब हम सेकंड मेनू देखते हैं, वो है स्पेशल। स्पेशल में जो मेनू है होटल की वो हमें यहाँ पर दिखेगी, से मंडे को क्या मेनू है, ट्यूसडे को क्या मेनू है, वेडनेसडे को क्या मेनू है, थर्सडे को क्या मेनू है, फ्राइडे को क्या मेनू है, सैटरडे को क्या मेनू है। गैलरी, गैलरी में जो इमेजेस हैं, जो भी होटल की इमेजेस हैं वो हमें यहाँ पर दिखेगी। एक स्लाइडर चल रहा है जिसमें सारी इमेजेस हमें दिख रही हैं। सर्विसेज, सर्विसेज में बेसिकली जो होटल एक सर्विस प्रोवाइड करता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दिख रही है, जैसे अवर रूम्स, रिजर्व रूम, बिजनेस रूम्स, हनीमून रूम्स, डिफरेंट टाइप के रूम्स जो भी एक होटल प्रोवाइड करता है वो इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे दिख रही है। अबाउट अस, अबाउट अस में कि उस रेस्टोरेंट, उस होटल के बारे में उसका बैकग्राउंड दिया गया है अबाउट अस में। लास्ट है कॉन्टेक्ट अस, कॉन्टेक्ट अस में अगर कोई यूज़र कॉन्टेक्ट करना चाहता है तो वो अपनी क्रेडेंशियल, अपनी डिटेल्स यहाँ पे भरेगा, अपना नेम लिखेगा, अपना ईमेल लिखेगा और मैसेज, वो जो मैसेज देना चाहता है, और जैसे ही ये सबमिट करेगा तो इसकी डिटेल जो है सबमिट हो जाएगी और लिखा जाएगा थैंक्स फॉर योर रिस्पॉन्स। अब ये सारी जो डिटेल्स यूज़र सबमिट करेगा वो एडमिन मॉड्यूल में दिखेगी। तो यहाँ पर एडमिन का, जैसे मैंने बताया था, आईडी है एडमिन और पासवर्ड है एडमिन। तो देखिए अभी कॉन्टेक्टर्स फॉर्म भरा था अनु, तो ये कॉन्टेक्टर्स की जो भी डिटेल्स हमें यहाँ पर दिख रही है। बुकिंग्स, बुकिंग्स भी कुछ इसी तरह है, जो भी अभी बुकिंग करी थी अंकित वो ये रही हमें दिख रही। अब ये था हमारा प्रोजेक्ट, अब हम चाहते हैं कि ये प्रोजेक्ट हम फोर्थ पीसी, फिफ्थ पीसी पे चलाएं और हम अपनी डॉट सीक्वल फाइल लॉस्ट कर चुके हैं, मीन्स जो ग्रिल होटल डॉट सीक्वल फाइल थी वो हमसे लॉस्ट हो चुकी है। तो हम चलते हुए प्रोजेक्ट की डॉट सीक्वल फाइल कैसे बनाएं। जब हमें किसी डेटाबेस की, बने बनाए डेटाबेस की, बने बनाए प्रोजेक्ट की डॉट सीक्वल फाइल बनानी होती है तो सबसे पहले हमें पीएचपी माईएडमिन में जाना चाहिए। पीएचपी माईएडमिन में जाने के बाद हमें डेटाबेसेस पर क्लिक करना पड़ेगा और उसके बाद में हमें उस डेटाबेस को सिलेक्ट करना पड़ेगा जिसकी हम डॉट सीक्वल फाइल चाहते हैं। फिर यहाँ पर हम जैसे ही डेटाबेस सिलेक्ट हो जाएगा तो ऊपर लिखा आ जाएगा डेटाबेस ग्रिल होटल। अब हम एक्सपोर्ट पर क्लिक करेंगे और गो पर क्लिक करेंगे। ओके करेंगे, ये डाउनलोड हो जाएगी। ये वही डॉट सीक्वल फाइल है जिसे हम थर्ड फोर्थ पीसी पे जाके इंपोर्ट करेंगे, हमारा प्रोजेक्ट इजीली चल जाएगा। थैंक यू। आज हम सीखेंगे हाउ टू इंपोर्ट डाटाबेस। किसी भी प्रोजेक्ट का डाटाबेस को अगर इंपोर्ट करना हो तो हम ब्राउजर को खोलेंगे, ब्राउजर को ओपन करके यहाँ पे लोकल होस्ट पीएचपी में एडमिन लिखते हैं। लोकल होस्ट पीएचपी का डाटाबेस है जहाँ पे ये स्टोर करता है आपके सिक्वल फाइल्स या आपका डेटाबेस है।
अब जैसे कि आपको इम्पोर्ट करना है किसी भी डाटाबेस को, तो आपको सबसे पहले डाटाबेस क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे कि AFS नाम का डाटाबेस हमने क्रिएट किया, ये कह रहे हैं कि ऑलरेडी इस नाम का डाटाबेस हमारे पास पड़ा है, तो हम क्या करेंगे, इस वाले डाटाबेस को ड्रॉप कर देंगे। AFS ठीक है, एंड देन क्रिएट, इसको क्रिएट कर देंगे हम। अभी हमने क्रिएट कर दिया, अब हम इस डाटाबेस में इंपोर्ट करेंगे फाइल्स। तो इंपोर्ट करने का क्या तरीका है, उस डाटाबेस पे क्लिक करके इंपोर्ट करिए। अब इंपोर्ट कहाँ से करना है चूज कर लीजिएगा फाइल, आपके डाटाबेस की फाइल जहाँ भी पड़ी होगी वहाँ से कर लीजिएगा। अब जैसे मैंने डाउनलोड में रखी है, तो मैं डाउनलोड से उठाकर पेस्ट कर दूँगी। ठीक है, इस तरह से आपके पास सारा का सारा डाटाबेस शो हो गया यहाँ पर। इसको कहते हैं कि हमने इस तरह से यूज़ किया कि हमने इस चीज़ को यूज़ किया कि हमने ये चीज़ इम्पोर्ट करवानी है। अब अगर हमें इसके टेबल्स देखने होंगे तो इसके राइट क्लिक पे क्लिक करके इसके टेबल्स, ये इसमें क्या क्या डाटा है वो है, और अगर इसका स्ट्रक्चर देखना हो तो स्ट्रक्चर को देख करके इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं। ओके, इस तरह से आप इंपोर्ट कर सकते हैं किसी भी प्रोजेक्ट का डाटाबेस, अगर व्यक्ति में चलाना हो तो हम इस तरह से इम्पोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन कॉन्टैक्ट अस ऑन। आज हम सीखेंगे हाउ टू एक्सपोर्ट डाटाबेस। पिछले वीडियो में हमने आपको सिखाया था कि हाउ टू इंपोर्ट डाटाबेस, अब हम सीखेंगे हाउ टू एक्सपोर्ट डाटाबेस। वैसे ही पहले लोग अपने ब्राउजर को ओपन करिएगा, वहां पे लोकल होस्ट PHP माई एडमिन लिखिएगा। ठीक है, उसके बाद जो भी आपको डाटाबेस को एक्सपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट का मतलब होता है कि अपने प्रोजेक्ट को किसी और के लैपटॉप पे चला के दें। तो बेसिकली हम क्या चाहते हैं कि हम अपने प्रोजेक्ट को किसी और के लैपटॉप पे चलाना चाहते हैं, तो हमने एक्सपोर्ट किया, एक्सपोर्ट करना उसको कहते हैं। ठीक है, अब हम जैसे एक्सपोर्ट करेंगे, अब ये लोड होने में टाइम ले रहा है, सो वेट। सर्वर बहुत स्लो है, इस वजह से ये धीरे चल रहा है। अगर हमें ये भी करना हो जैसे कि मुझे ये आपका डाटाबेस आ गया। अब आपको इस पर हमें जैसे कि इंपोर्ट करवाना है, अब हमें एक्सपोर्ट करवाना है, इंपोर्ट करना हम सीख चुके हैं, तो हम जिस डाटाबेस को एक्सपोर्ट करवाना चाहते हैं उसको ओपन करेंगे, जैसे AFS इसको ओपन करेंगे। ये चीज़ जैसे कि खुल गई, अब हमें पूरे के पूरे डाटाबेस को एक्सपोर्ट कराना है, तो एक्सपोर्ट पे क्लिक करिएगा, देन कस्टम डिस्प्ले। हमें पूरा का पूरा डाटाबेस चाहिए इसलिए हमने कस्टम डिस्प्ले किया। ओके, देन गो। इस तरह से आपका डाटाबेस एक्सपोर्ट हो जाएगा, अब ये डाउनलोड हो जाएगी .sql फाइल। अब आप इसको कहीं भी अपने किसी भी फ्रेंड के लैपटॉप पे प्रोजेक्ट को चला सकते हैं, जिस तरह से इम्पोर्ट करना सिखाया वैसे इसके। टुडे वी लर्न हाउ टू रन प्रोजेक्ट, हाउ टू लर्न अ प्रोजेक्ट ऑफ PHP, हाउ टू रन अ प्रोजेक्ट ऑफ PHP इन अ ब्राउजर। सो किसी भी प्रोजेक्ट, कोई भी प्रोजेक्ट हो आपका,
अगर पीएचपी से रिलेटेड है, अगर उसको चलाने के लिए आपको चलाना है तो आपको जैम कंट्रोलर ऑन करना पड़ेगा। तो इसको सबसे पहले ऑन कर लीजिएगा, देन उसके बाद ब्राउज़र पे जाके आप लोकल होस्ट जो भी आपके प्रोजेक्ट के फोल्डर का नाम है वो लिख दीजिएगा। जैसे कि मैंने अपने प्रोजेक्ट अनुराधा पिशन डॉट इसमें स्टोर करके रखा है। ओके, तो मैं इस चीज़ को खोल दूँगी। फोल्डर के अंदर फोल्डर है इसलिए मैंने दो फोल्डर्स लिखे हैं। अब जैसे कि मुझे इस प्रोजेक्ट को रन करना था तो मैंने क्या किया, लोकल होस्ट प्रोजेक्ट का नाम, उस प्रोजेक्ट के फोल्डर का नाम लिखा और उसको रन कर दिया। इस तरह से आप हर एक प्रोजेक्ट को रन कर सकते हैं। तो अगर पीएचपी का कोई भी प्रोजेक्ट रन करना हो तो ब्राउज़र पर जाकर लोकल होस्ट लिख के उस प्रोजेक्ट का नाम लिख दीजिएगा, वो रन हो जाएगा। थैंक यू सो मच। यू हैव